फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। ऑन पैसिव के जितने भी फाउंडिंग मेंबर हैं, आप लोगों को बताना चाहेंगे, आप में से बहुत सारे फाउंडिंग एक सवाल पूछ रहे थे कि विड्रॉल लेते समय हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है इंडिया के अकॉर्डिंग। अगर आप इंडिया के फाउंडिंग मेंबर हैं और इंडिया के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट के बारे में जानना चाहते हैं कि विड्रॉल के समय हमें कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ सकता है, या केवाईसी के समय या ओ वेरीफाई के समय हमें कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ सकता है, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। उससे पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन अवश्य कर लीजिए। हो सके तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी आपको थोड़े थोड़े अपडेट मिल जाते हैं, रियल अपडेट मिल जाते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि ऑन पैसिव जो हमारे पास है, जिस पे हम फाउंडिंग पोजीशन लेके रखे हैं, हम यहाँ पे कितने दिन के बाद पेमेंट ले सकते हैं और पेमेंट लेते समय हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ सकता है, तो हम आपको बता दें पेमेंट कब आएंगे, विड्रॉल कब आएंगे, इसके बारे में कंपनी के सीईओ के अलावा किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर आप इसके बारे में जानना ही चाहते हैं तो कंपनी के सीईओ से बात कर सकते हैं, जब भी वो वेबिनार करेंगे उसके वेबिनार सुन सकते हैं, इसके अलावा किसी को भी मालूम नहीं। लेकिन हम आपको ये बता दें कि कंपनी बिल्कुल बिल्कुल प्रोसेस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, कोई भी शॉर्टकट की अपना नहीं रहे, बिल्कुल कछुआ के रेस में चढ़ के आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कंपनी को सफलता मिलेंगे, आपको 100% सफलता मिल जाएगी, क्योंकि कंपनी की सफलता आपकी सफलता के साथ जुड़ा हुआ कनेक्टेड है। इसीलिए आप दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल खड़े रहें। जब भी कंपनी को सफलता मिलेंगे, कंपनी 110% कंपनी आपको बहुत बड़े लेवल पे, बहुत बड़े सम्मान के आधार पर आपको आपकी ज़िंदगी में बदलाव करके रख देंगे, क्योंकि कंपनी से पॉसिबल है कि आपकी आर्थिक आज़ादी मिले। कंपनी चाहती है कि आपको जल्दी सफलता मिले, कंपनी चाहती है कि आपका लाइफ स्टाइल जल्दी चेंज हो, कंपनी हर को चाहती है, बस कंपनी के पास समय चाहिए, क्योंकि आपको इतने बड़े लेवल पे बदलाव के लिए बड़े चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। अब बात कर लेते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट की आवश्यकता कौन कौन से पड़ेंगे जब हम विड्रॉल लेंगे। विड्रॉल लेते समय अलग अलग कंट्री के अलग अलग डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। इंडिया में अभी सबसे ज़्यादा पॉपुलर अगर डॉक्यूमेंट को माने, या हर किसी के पास अगर अवेलेबल है, जिस डॉक्यूमेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो है आधार कार्ड। आधार कार्ड हमारे इंडिया के सबके पास है, तो आप आधार कार्ड से भी अपना केवाईसी वेरिफिकेशन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट अप्लाई करके आप विड्रॉल ले सकते हैं। या फिर आपके पास दूसरा डॉक्यूमेंट पैन कार्ड, इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर। उसके बाद आता है ड्राइविंग लाइसेंस, उसके बाद आता है पासपोर्ट। इस प्रकार से अनेक कई हमारे इंडिया में दस्तावेज़ हैं या डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको अप्लाई करके आप पेमेंट ले सकते हैं, विड्रॉल ले सकते हैं, अपने अकाउंट का वेरिफिकेशन कर सकते हैं। और अपने अपने कंट्री में जो भी बाहर के कंट्री के लोग हैं, वो अपने अपने कंट्री के हिसाब से जो भी वहाँ का लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें एड्रेस प्रूफ मौजूद हो, वो डॉक्यूमेंट अप्लाई कर दीजिए, आपका विड्रॉल प्रूफ हो जाएंगे और आपको विड्रॉल मिल जाएंगे।